जानती हो, जब मैं छोटी थी तो हमारे गांव में ये रस्म हुआ करती थी। दुल्हन को फूलों से ढक दिया जाता था और फिर ये दुआ की जाती थी कि उसकी नई जिंदगी फूलों की तरह ही महके। मेरे निकाह पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि असद की दुल्हन के लिए मैं ये सारी रस्में करूं, उसे फूलों से सजाऊं। अरे असद बेटा, आओ ना, आप भी अपनी दुल्हन को फूलों के जेवर पहनाओ। अरे क्यों शर्मा रहे हो, आओ चलो, आ जाओ बेटा। अब तो क्या बॉडी शॉर्टी बना लिए पुत्र ने, हाँ बचपन में तो कितना चबी लगता था। हाँ सो क्यूट। ओए तुझे याद है तू बचपन में क्या कहा करता था? ओ तू कहता था, सुन तो, ओ तू कहता था कि मैं शादी करूंगा, निकाह करूंगा तो गुरप्रीत आंटी के साथ ही करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। अब क्या हो गया है, अब तुझको मैं अच्छी नहीं लगती है? ओए आए कैसा दिख रहा है, कैसे शर्मा रहा है, देखो तो सही। फनी मिस फारूकी। इट इज फनी मिस्टर खान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बचपन में आप गुरप्रीत आंटी से निकाह करना चाहते थे? जी कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ ये सब छोड़िए, ये हरकत क्या किया? क्या हरकत की है मैंने मिस्टर खान? सबको तो इतना अच्छा लग रहा है, बस आप ही हो जो मुंह फुलाकर बैठे हो। परी लगती है भाई दिलशाद की बहू तो। सुना सबको तो मैं परी जैसी लग रही हूँ, आप ही को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। आप तो बल्कि लकी हो मिस्टर खान, परियों जैसी लड़की के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। Really? वो परी सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी असलियत नहीं जानते। परी जैसा चेहरा और शैतान जैसा दिमाग। मतलब आप भी मान गए ना कि मैं परी लग रही हूँ? जी मतलब please don't twist my words, Miss Farooqi. सर, आयशा बी, देखा जाए तो ये हमारी कोई नहीं है, पर असल में ये हमारी सब कुछ है। बुरे वक्त की धूप में इनकी दुआओं के साए ने हमें बचाए रखा। जानता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा बी, कहाँ थी इतने वक्त? बहता पानी भी कहीं रुकता है बेटा। जहां जहां लोगों को हमारी जरूरत थी वहां वहां हमें भेजता रहा। ये लो बेटा, इसे अपनी दुल्हन के हाथ में बांध, ये तुम्हारे यकीन और मोहब्बत की निशानी होगी। बांधो असद।
भाईजान, ये क्या है? हाँ, ये हार, ये दुपट्टा। लेकिन अभी ना, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, ओके? जल्दी। आहा, ये सब किसके लिए है भाईजान? अब हमारे लिए थोड़ी ना लाए होंगे, फिर किसके लिए लाए होंगे? नुज़त, मेरे ख्याल से ना ये सब ये अपनी साहिबा के लिए लाए हैं। नहीं, आइए आइए हुमैरा बेगम, शर्माइए मत और कहिए सरकार हमें आपका ये तोहफा कबूल है। और भाईजान, आप तो हमें तोहफा दे ही चुके हैं, मजार शरीफ में आप ही की दुआओं का असर था कि हुमैरा मौत के मुंह से वापस लौटी है। हाँ, मैंने मजार शरीफ में हुमैरा की जिंदगी की दुआ मांगी थी और साथ में अल्लाह ताला से ये भी मांगा था कि मैं जिस अनचाहे रिश्ते में बंधने जा रहा हूं मुझे उस पर चलने की हिम्मत दे। माशा अल्लाह, मोहब्बत से दी हुई सौगात बाजी पर खूब जचेगी। भाईजान, अब आप अपनी ही जुबान से इन्हें कह दीजिए कि ये सब ना आप इन्हीं के लिए लाए हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं हुमैरा, तुम्हारी आंखों में जो अपने लिए मोहब्बत देखता हूं वो हमेशा मुझे खामोश कर देती है। कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं असद भाई जितना मजबूत होता। लेकिन मुझे माफ करना हुमैरा, मैं अब चाहकर भी वो आयान नहीं रह सकता जो मैं हुआ करता था। मिस्टर खान, थोड़ा स्माइल कीजिए, गुरप्रीत आंटी बार बार आप ही की तरफ देख रही हैं। देखिए, मुझसे प्रॉब्लम मिस्टर खान, इतना नाराज होके क्यों बैठे हुए हैं आप? निकाह की रस्म में जींस पहनकर कौन आता है? हाँ, मैं आती हूँ, जोया फारूकी। देखिए मिस्टर खान, मैं किसी को कॉपी करने में तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ। मैं एक नया ट्रेंड शुरू करना चाहती थी इसलिए। और वैसे भी आप ही तो कह रहे हैं कि ये सारी रस्में नकली हैं, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? It's so silly to do something like this. No, Mr. Khan, not at all. ये एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही प्रोग्रेसिव हरकत है। Anyhow, आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप ओल्ड फैशन तो हैं ही, काफी ओल्ड भी हैं। जीते रहो, साथ साथ रहो, साल भर में पोते का मुंह दिखवा दो। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता कि सारी जैसे खूबसूरत और ट्रेडिशनल लिबास बर्बाद कर दिया जाए। मैंने कुछ भी बर्बाद नहीं किया है मिस्टर खान। आप जानते हैं, जब मैं साड़ी पहनने के लिए निकाली तो साड़ी Forget it. मैं बताऊंगी तो कौन सा आप मान लेंगे। But it's okay. बुजुर्गों को वैसे भी किसी बात पे यकीन करने में बहुत वक्त लगता है। और वैसे भी मैंने आपके दिए हुए तोहफे की रिस्पेक्ट की है मिस्टर खान। साड़ी में कोई रोज रोज थोड़ी ना पहन पाती। अब मैंने
इतनी खूबसूरत डिजाइनर कुर्ती सिलवाई है, इसे मैं जब चाहूं जहां चाहूं पहन सकती हूं। शुक्रिया। बस बस, अब प्यार और मोहब्बत की बातें बाद में करना, पहले दूल्हा होने वाली दुल्हन को सजाएगा, ठीक है? चलो असद। जी भाईजान, करिए ना रस्म शुरू। अब वक्त आ चुका है। आपने मुझसे कहा क्यों नहीं कि वो तमाम तोहफे आप मेरे लिए लाए थे? पहले जब मैं खुद लाती थी तब आप कहते थे कि आपने लाए थे, अब जब आप खुद लेके आए हैं तो मानने में शर्मा रहे हैं। मेरा एक्चुअली वो मैंने तुमसे कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि क्योंकि मैं जानती हूँ जब मोहब्बत होती है तो सब कुछ बदल जाता है, जो महसूस करता है वो बयां नहीं कर सकता, और जो बयां कर सकते हैं वो समझा नहीं सकते। अयान, मैं आपको कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन जब आप यहाँ नहीं थे तो आपकी आवाज सुनने के लिए मैं तरस गई थी। अयान, बस एक रिक्वेस्ट है, कुछ पहना दीजिए ना। सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि कितना बदनसीब बाप हूं मैं। मेरा एक बेटा और है जिसका निकाह होने जा रहा है और मैं उसके निकाह में शरीक भी नहीं हो सकता, उसे जाकर देख भी नहीं सकता। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने अम्मी अपनी गलतियों की। अपने बेटे को तो पहले ही खो चुका था और अब दिलशाद, जो थोड़ी बहुत इज्जत उसकी नजरों में थी मेरे लिए, अब वो भी खत्म हो गया। हमें कोई दो कश्ती में सवार होकर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। वक्त हर इंसान को बड़ी से बड़ी चोट देता है और वही वक्त हर चोट का मरहम भी होता है बेटा। लेकिन अम्मी, मेरे पास वक्त नहीं है। दिलों के बीच में इतनी ऊंची दीवारें खड़ी हो चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता। राशिद, वक्त कभी खत्म नहीं होता। असद तुम्हारा अपना खून है और इस दुनिया में अपने खून से बढ़कर
कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता। बेटा, तुम्हारा रिश्ता असद से कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह हर इंसान को एक मौका देता है अपनी गलतियां सुधारने का, और हम जानते हैं बेटा कि तुमने दिलशाद और असद का भरोसा जीतने के लिए बहुत कोशिश की, और हमें ये भी यकीन कि एक दिन तुम उनका दिल जीतोगे, जरूर जीतोगे बेटा। कैसे बड़ी भी राशिद में आंखों तुम्हारी सौतन और उसके बेटे की तरफ धकेल रही है। मैं तो हमेशा ही कहती थी कि बड़ी भी ही इस सब के पीछे है। कुछ सोचो, वक्त नहीं है हमारे पास, हमें जल्द से जल्द अयान और हुमैरा की सगाई करवानी ही होगी, वरना बड़ी भी का क्या है, न जाने क्या कुछ कर दे। अब देखना बड़ी भी, मैं कैसे शिरीन को मोहरा बनाकर अयान और हुमैरा की सगाई जल्द से जल्द करवाती हूँ। अरे लाइट चली गई, बहुत अंधेरा हो गया। असद, तुम दोनों ठीक हो ना? जी। वो मैं देख के आता हूँ। हाँ, इनफैक्ट मैं भी देख सकती हूँ। आप तो जानती हैं भूपी, मुझे तो ऑलमोस्ट हर एक फील्ड की सारी नॉलेज रहती है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो मैं सब कुछ जानती हूँ। आप जानते हैं मैंने नेट पे रिसर्च किया था, जब क्या होता है कि करंट का ओवरफ्लो हो जाता है और जब आग लगने का खतरा होता है, जब हम कहते हैं कि वायर्स बस मेल्ट होने वाली है, उस सब को एक कुल मिला के कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया। तो मतलब मैं चेक कर सकती हूँ कि क्या हुआ है। वाह, क्या बहू है मेरी। मैं तन्वी को लेके आता हूँ। हाँ, जाके प्लीज देखो कहीं उसे चोट ना लग जाए।